हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 21st डे चैलेंज का 4th डे और आज मैंने सुबह से सारा काम कर लिया है, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया था। ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, झाड़ू लग चुका है और आज फिर से मैं अकेली हूँ, बट मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ट्यूशन की बच्ची है जो बाहर खड़ी है, ये कल रात से आई है मुझे कंपनी देने के लिए। इसने बोला, दीदी आप अकेले हो तो मैं चल पड़ती हूँ आपके साथ। और अभी सुबह ये ब्लॉगिंग करने वाली थी लेकिन इसने की नहीं। चल बोल अब जो तूने प्रैक्टिस की थी, बोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हाँ, संडे है, संडे आज, और मैं आज फ्री हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ही जाएंगे आज पानी लाने। आज हम नीचे से नहीं, आज हम कूलर से पानी लाएंगे, ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर। तो चले, तुम्हारा भी खुद के लिए दो बोतलें लेके जा रही है। ये इन दो बोतलों से अपना गुजारा करेगी पूरा दिन भर, और मेरे लिए मान भी आज क्या करेंगे आप पूरा दिन, ऐसा बताएं मुझे। पढ़ाई करेगी, कितना होमवर्क है करने को हाल ही इसका? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मज़ा इन लोगों के 22 से छुट्टियाँ, पिछले कल से छुट्टियाँ थी, पिछले कल से क्या से? हाँ, पिछले कल से छुट्टियाँ इनको। अब कब खुलेगा स्कूल? अब वाह, तब तो मज़े हैं। 29 अगस्त को खुलेगा इनका स्कूल। अब तो फ्रेंड्स, पानी ले आए थे हम और अब हो रही है हमारे खाने की तैयारी। और खाने में बने आज आलू मटर और चपातियाँ। हम आने में बताएगी कैसा बनाया दीदी ने खाना। लिखा बस, इसको ट्यूशन में थप्पड़ कम ही पड़ते हैं, पढ़ लेती है ये, अच्छा है ना कि बचते हैं थप्पड़, पढ़ते हैं थप्पड़। भाई याद भी होगा तब भी अच्छा बोलना, ठीक है ना मुकम्मल? अच्छी बनी, ठीक है, थैंक यू। तो हम खाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का रिवीजन कर रही थी। तो मैंने कल दो का किया था, एक तो मैंने वित्त आयोग का किया था और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का भी रहा गया था। तो आज मैं पढ़ूंगी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद दो करूंगी आज, एक ये और दूसरे वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर जो लास्ट में बचते हैं दो तीन, इनको मैं कल तक करूँगी। फिर उसके बाद चलूँगी मैं फिर से 1st यूनिट से स्टार्ट करूँगी। ऑलमोस्ट रिवीजन ही है सब चीज़ों का करने को, लेकिन मैंने 1st यूनिट नहीं पढ़ी थी उतने अच्छे से, क्योंकि हमारे PGT के HP PGT के सिलेबस में ये कम ही था, आगे वाला पोर्शन था थोड़ा सा दिया हुआ। तो थ्योरीज मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी थोड़ा आगे वाली, ये तो पढ़ी है मैंने उदारवाद वगैरह। और मॉडर्निज्म का भी पढ़ा था, मल्टीकल्चरलिज्म भी हुआ था मेरा, तो इनका तो रिवाइज ही करना है। जैसे इकोइज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, क्योंकि हमें भी थे तो इसका हो चुका था ऑलमोस्ट। और तो अब करते हैं पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। मानवी आधे घंटे की पढ़ाई के बाद बोर होते हुए और वाइट बोर्ड साफ करते हुए, इसमें क्या करना है अब? ऐसे कुछ ठीक है, देखूंगी मैं कि क्या करना है। ऐसे ही कुछ कि दूसरे वाली साइड लिखना, किस में लिखना? इस वाली साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान भी लग जाती है ड्राइंग बनाने। तो इसने बोला, दीदी मैं डस्टर की ड्राइंग बनाऊंगी। मैंने बोला आप कर लो, जैसा करना वैसा कर लो, मैं खुद का पन्ने का काम कर रही थी।
और तो ये था हमारा आज का दिन, डे फोर्थ डेली व्लॉगिंग का। तो आज है हमारा 21st डे, डेली व्लॉगिंग का डे फिफ्थ। तो आज के दिन की शुरुआत की मैंने सुबह योगा करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इंसान को अगर इंसान ऐसे ऐसे ही रूम में पड़ रहा हो और उसके पास कुछ और करने के लिए ना हो। तो इससे अच्छा है कि मैंने आज सोचा कि मैं आज दिन की शुरुआत योगा करने से करूँगी, और उसके बाद मुझे बाज़ार भी जाना है क्योंकि मैं कल शाम को सब्ज़ी नहीं लाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो योगा करने के बाद मैं चल पड़ती हूँ बाज़ार की ओर। बाज़ार में सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है क्योंकि सुबह सड़क खाली होती है। तो सब्ज़ी लेने से पहले मैंने सोचा क्यों ना शिव शंकर के दर्शन किए जाए, भोले बाबा के। तो मैं आ गई मंदिर, उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ सब्ज़ी की शॉप में। और यहाँ मुझे बहुत सारी सब्ज़ी दिखती, पर मेरा मन था कि कुछ हल्का जैसा लूँ, तो स्क्वैश ले ली मैंने। उसके बाद मैं ले लेती हूँ दही, उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ रूम की ओर। और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट बन चुका है तो अब खा लेती हूँ खाना। दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।